नमस्कार, स्वागत आप सभी का एनबीएससी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ खास खबरें। अलवर के मालखेड़ा बाईपास पर गो तस्करों व पुलिस की मुठभेड़ में क्यूआरटी के जवान मनीष कुमार को गोली लगी और घायल हो गए। सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर अलवर एसीपी तेजस्विनी गौतम अस्पताल पहुंच घायल जवान से पूछी कुशलक्षेम। पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल 5 आरोपियों को लिया हिरासत में। इनमें 2 बदमाश हरियाणा के हैं, 3 बदमाश भरतपुर के रहने वाले हैं। 5 लोगों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ये लोग गौ तस्करी में शामिल थे। इनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पर आज अलवर में आना पाया गया। साथ ही अलवर में कोई दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की खुफिया तंत्र से इनकी कारगुजारी छुप नहीं सकी और डीएसटी एनईबी टीम द्वारा क्यूआरटी टीम इनके पीछे लग गई और इन्हें लक्ष्मणगढ़ बाईपास पर दबोचा। तभी एक बदमाश ने बचने के लिए गोली चलाई, जिससे क्यूआरटी टीम के जवान मनीष को गोली लगी। उसे तुरंत इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया। इसी के साथ ही वहां पर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम व अन्य अधिकारी पहुँच कर घटना को उन्होंने जायजा लिया है। अभी तो वाइटल तो नॉर्मल है, स्टेबल है। अभी कोई इंटरनल ब्लीडिंग के चांस भी लग नहीं रहे। अभी जांच चल रही है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, अभी देखते हैं। अभी ऑर्थोपेडिक्स में बुलाया है, जयपुर रेफर करने की इसलिए जरूरत पड़ सकती है अपन को कि अपने इंटरनल ब्लीडिंग के कभी भी चांस हो सकते हैं। हो सकता है खून की नली के ऊपर गोली धंसी हुई हो, मान लो, और वो हटाते ही फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए। नहीं, अभी क्रिटिकल स्थिति नहीं है पेशेंट। अभी हाँ, कंट्रोल कंडीशन।